स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ वलंसी अलोंग ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप तुम्हें पता की होंगे ने जोड़े वर्टिकल है ना, किन्ने ग्रुप है 18 वन टू 18। जिम्मे मैं फस्ट ग्रुप की गल करदा, जो अपने को फस्ट ग्रुप हैगा हाइड्रोजन लीथियम सोडियम पोटाशियम। देखो वलंसी, देखो हाइड्रोजन को वन वलंसी है, यदि लीथियम है के एच दो एल एच वन, यदि वलंसी वन। सोडियम 11 अटोमिक नंबर का 281, यदि वलंसी कितनी होगी वन होगी। पोटाशियम 19 अटोमिक नंबर 2881, यदि वलंसी कितनी होगी वन होगी। मीनस अलोंग द ग्रुप की हैगी है वलंसी की हैगी है सेम। ठीक है, ऑल एलिमेंट इन द पर्टिकुलर ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेम वलंसी। ओके, ग्रुप वन की वलंसी कितनी है वन है, ग्रुप टू की कितनी है टू है। नैक्सट इज वेरिएशन ऑफ वलंसी अलोंग ए पीरियड। अलोंग द पीरियड देखो, हम वलंसी देखो इधर है ना, अलोंग द पीरियड जिम्मे इधर देखो, हाँ फस्ट पीरियड हो गया, सैकंड पीरियड हो गया, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, थोड़े तो 18 बने, तो छोटा शॉर्ट बना के दिखाया गया। ठीक है, जिम्मे फस्ट पीरियड सैकंड पीरियड है लिथियम, लिथियम को वलंसी कि वन, ब्रिलियम टू, बोरोन थ्री, कार्बन फोर इनक्रीज कर रही है। ठीक है, सो एज मूव फ्रॉम लैफ्ट टू राइट इन ए पीरियड वेलेंस इलेक्ट्रॉन इनक्रीज फ्रॉम वन टू एट, देयरफॉर वलंसी फर्स्ट इनक्रीज फ्रॉम वन टू फोर दैन डिक्रीज टू जीरो। देखो वेलेंस इलेक्ट्रॉन पहले की है गया, देखो वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो देखो पहले आ वलंसी इतों तक पहले वध रही है, फिर घट रही है वलंसी अगर। ठीक है, वेलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार वध रहे हैं, है सर। नैक्सट एक एक्सैप्शन हैगी है, हीलियम को किन्ने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शैल दे विच दो, बट इन किहड़े ग्रुप रखा गया 18। ठीक है, ये वेलेंस इलेक्ट्रॉन किन्ने है हीलियम को टू, तो वैलेंसी कितनी हैगी है जीरो, बट इन फिर भी ग्रुप 18 रखा गया। नैक्सट इज अटोमिक साइज। अटोमिक साइज की होंगे, अटोमिक साइज रेफर्स टू अटोमिक रेडियस विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शैल ऑफ एन आइसोलेटड एटम। किवें मतलब, आ देखो जिमें ए मेरा एटम के न्यूक्लीयस आ फस्ट शैल है, के ए एल ए एम। सपोज मैं सोडियम का केस लेना, सोडियम को शैल च कि दो इलेक्ट्रॉन, एल च कि है 8, तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एम च कि है 1। हुण आउटरमोस्ट शैल जिहड़ा है एम, उतों लैके ए न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है इनू भी कहने आप अटोमिक रेडियस। की कहने अटोमिक रेडियस, ओके, विद डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शैल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। नैक्सट इज वेरिएशन ऑफ अटोमिक साइज इन ए ग्रुप। ग्रुप किधर हो, ग्रुप वर्टिकल होंगे ना ग्रुप, इधर देखो हूँ ग्रुप के लौंग वेखना भी जिमें आ देखो आ ग्रुप फस्ट आ हुण इहदे लौंग आपां देखणा कि अटोमिक रेडियस वधदा आ कि घटदा। हुण देखो जदों ग्रुप के लौंग तो ही मूव करते जी ग्रुप के, है ना, फस्ट ग्रुप लै लिया टॉप तो बॉटम वाल नीचे आओ। हुण लीथियम किन्ने शैल है ये कोल, देखो लीथियम का मैं दसदा तुहानू, लीथियम 2.1 किन्ने शैल आ फस्ट दे विच दो आ, के च एल च वन। नैक्सट आ गया सोडियम, सोडियम कोल किन्ने, इहदे कोल दो शैल ही ना, के ते एल तक, एल तो लैके इत्थों तक है ना डिस्टेंस, अगे न्यूक्लियस तो लैके तो एम तक ना सोडियम का, एम शैल आ गया ना ये, ठीक है, वह मैं तुम्हें दसिया बना के अगे, मतलब ये शैल वधी जा रही है, जो आप टॉप तो बॉटम वाल मूव कर रहे हैं तो शैल वधी जा रही है, एटॉमिक रेडियस भी की करेगा इनक्रीज़ करेगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शैल तो न्यूक्लियस तक होंगे ना डिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज सो रीज़न की है कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द अटोमिक साइज इनक्रीज, द रीज़न इज न्यू शैल्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली एज वी मूव डाउन द ग्रुप। नैक्सट है अलोंग द पीरियड, पीरियड किधर होंगे है लैफ्ट टू राइट, इधर होंगे ना पीरियड किन्ने अपने को 7। सो अटोमिक साइज ऑफ एलीमेंट इन ए पीरियड डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लैफ्ट टू राइट, जो अं लैफ्ट टू राइट जाने ना पीरियड के लौंग। ठीक है, सो साढ़े की है अटोमिक जो साइज आ
वो की करता वा डिक्रीज़ करता। क्यों डिक्रीज़ करता? क्योंकि जो अभी लैफ्ट टू राइट जाने ना प्रोटोन इनक्रीज़ करते हैं, प्रोटोन की करी जाते न्यूकलीयस के इनक्रीज़ करी जाते। देखो जिन्ने जारे प्रोटोन हो गए, जिमें देखो सेंटर जो न्यूकलीयस होंगे है ना, न्यूकलीयस के प्रोटोनस प्लस न्यूट्रॉन्स, जिन्ने ज़्यादा प्रोटोन न्यूट्रॉन हम देखो न्यूट्रॉन के चार्ज जीरो आ, प्रोटोन जिन्ने ही ज़्यादा प्रोटोन हो गए वो उन्नी की अट्रैक्ट करेंगे उन्ना ही इलैक्ट्रॉन है ना जो शैल दे विच हैगा, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स वध जूगी जिह करके साइज की हो रहा डिक्रीज हो रहा जिनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। सो रीजन इज एज वी द नंबर ऑफ प्रोटोन इनक्रीजिंग द न्यूक्लियस, सो द न्यूक्लियर एग्जर्ट ए ग्रेटर पुल ऑन द इलैक्ट्रॉन देयर बाय डिक्रीजिंग द अटोमिक रेडियस। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज मेटैलिक करैक्टर। मेटैलिक करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड इट्स मेटैलिक करैक्टर। देखो किमें जिमें देखो मेरे को सोडियम अटोमिक नंबर 11 कि आ गया के शैल जा के दो इलैक्ट्रॉन, ठीक है, एल च 8 एम च 1। हूँ देखो एड इलैक्ट्रॉन ये सोडियम की करता लूज कर जाएगा जो की बन जाएगा सोडियम प्लस, ठीक है, की हो गया मेटैलिक करैक्टर हो गया। हूँ किन्ने ईजली इलैक्ट्रॉन लूज़ करता कोई है ना एलीमेंट कोई एटम, जिन्नी ईजली लूज़ करेगा उन्ना ज़्यादा का की होगा मेटैलिक करैक्टर होगा, ठीक है। मतलब देखो जे तो अपने को सेंटर की होंगे न्यूकलीयस, ठीक है, फिर शैल होंगे ने जे तो ए न्यूकलीयस से जोड़े जोड़े इलैक्ट्रॉन जो आप इजेक्ट करना जिमें सोडियम का करना है आप एम चो करना है ना एम चो करना है, जे इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हैगी घट आ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जे होगी जे लैस होगी फिर मेटैलिक करैक्टर की होएगा मोर होएगा। क्यों मोर होएगा? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट है तो इलैक्ट्रॉन आप ईजली कर सकते हैं इजेक्ट कर सकते हैं, बट जे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होए फिर मेटैलिक करैक्टर की होना लैस होना मेटैलिक करैक्टर की होना डिक्रीज होना, ठीक है। सो हम देखो अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप तुम्हें पता अलोंग द ग्रुप की है अटोमिक साइज की है इनक्रीज करता, ठीक है। देखो अलोंग द ग्रुप मेटैलिक करैक्टर ऑफ एलीमेंट इनक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जिन्हें मेटैलिक करैक्टर ना ग्रुप जो ग्रुप आप ग्रुप देखना एक सिंगल ग्रुप लै लेना ग्रुप के टॉप तो बॉटम वाले जाना, देखो ठीक है, जो आ ग्रुप आ जिमें लीथियम सोडियम पोटाशियम, ठीक है, यह ग्रुप के नीचे जाना नंबर ऑफ शैल वध रहे हैं ना हुण जिन्ने शैल वध रहे हैं, ठीक है, जिमें लीथियम के किन्ने शैल वा के ते एल, अगले के किन्ने हो गए के एल ते एम, मतलब जिहड़े जिहड़े आउटरमोस्ट शैल जो इलैक्ट्रॉन आप इजेक्ट करना इनर वाले चो नहीं कर सकते क्योंकि उत्थे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंदी है। हुण शैल इनक्रीज हो रहा डिस्टेंस इनक्रीज हो रहा न्यूक्लियस दे सेंटर दा आउटरमोस्ट शैल वाला है ना जिवें जिवें उपर तो नीचे नूं जांदे आ तो इहदा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रही है जिहदा करके इलैक्ट्रॉन नूं आपां ईजली लूज़ करवा सकते हैं ईजली इजेक्ट कर सकते हैं बाहर, सो उहदा इहनां दा मेटैलिक करैक्टर की हो जाएगा इनक्रीज हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज वधी जांदा नंबर ऑफ शैल इनक्रीज हो जाते हैं न्यूक्लीयस तो इलैक्ट्रॉन के जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो की हो जाती है घट रही है, ठीक है, जिदा करके इलैक्ट्रॉन ईजली लूज हो जाएगा तो उन्होंने मेटैलिक करैक्टर की होएगा इनक्रीज हो जाएगा जो आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब यदा मेटैलिक करैक्टर घट होएगा यदा ज़्यादा होएगा एदा इन दोनों नालों भी ज़्यादा होएगा। जो तुम क्वेश्चन है जे सोडियम तो पोटाशियम विचों मेटैलिक करैक्टर की ज़्यादा तो कहो कि पोटाशियम का ज़्यादा क्यों आ क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटरमोस्ट जो इलैक्ट्रॉन है ना आउटरमोस्ट शैल जो इलैक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस की हैगी घट आज इलैक्ट्रॉन ईजली लूज हो जाएगा, बट अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड किधर नूं जाने आपां लैफ्ट टू राइट, तुहानूं पता अलोंग द पीरियड साइज अटोमिक साइज की हो जाता डिक्रीज हो जाता। क्यों डिक्रीज होता? क्योंकि जो अभी लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शैल
इनक्रीजेस। हम देखो जो लैफ्ट टू राइट जाने नंबर ऑफ प्रोटोन की करी जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटोन इनक्रीज करी जाते हैं, ठीक है। लैफ्ट टू राइट जाने जिमें जिमें लैफ्ट जो एलीमेंट आ वो एलीमेंट तो ही राइट वाल मूव करना जो शुरू करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटोन जोड़े आ एटम के करी जाते इनक्रीज करी जाते, जिदे करके न्यूक्लीयस जोड़ा है इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शैल उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाती है, इनक्रीज हो जाती है, जिदा करके देखो आ न्यूक्लीयस आ जोड़ा भी कोई शैल होएगा है ना एलीमेंट का आउटर मोस्ट वो उन्होंने की है फोर्स की है इनक्रीज करी जाती है, जिदा करके आ साइज घटी जाना लागे ही जाना ना ज्यादा अट्रैक्शन है। हम ये इलेक्ट्रॉन आप ईजली इजैक्ट नहीं कर सकते, ईजली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, जिदे करके मेटालिक करैक्टर की कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। जो तो अं लैफ्ट टू राइट जाने लोंग का पीरीयड एक पीरीयड लै लेना और लैफ्ट तो राइट वाल जाइए मूव करी जाओ, ठीक है। ठीक है एलीमेंट्स का की हो जाना मेटालिक करैक्टर की हो जाना डिक्रीज हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट जोड़े नॉम जो मेटालिक करैक्टर इनू आप होर नाम की है, मेटालिक करैक्टर होर नाम की है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑफ एटम, मतलब इनू जो मेटालिक करैक्टर इनू आप कहने इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑफ एटम भी कहने, इस नाम नाल भी आ सकता तुम्हें आ सकता डिफाइन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑफ एटम की कहोगे तुम टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन टू पॉजिटिव आइन इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है। सो एक कौन शो करता मेटालिक करैक्टर्स, मेटल्स, सॉरी मेटल्स शो करते हैं, ठीक है मेटालिक करैक्टर। बट जो नॉन मेटालिक करैक्टर वो कौन शो करते हैं, नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटालिक करैक्टर की होएगा है the tendency of an atom, the tendency of an atom to gain its electron and convert into a negative ion is called its non-metallic करैक्टर। और इनू की कह दें इलेक्ट्रो नैगेटिविटी। सो यह ट्रेंड की है जी, जो टॉप टू बॉटम आने अलोंग द ग्रुप मेटालिक करैक्टर की नॉन मेटालिक करैक्टर की करता डिक्रीज करता, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड एक करता इनक्रीज करता। तुहानू क्वेश्चन किदां आएगा, तुहानू दो एलीमेंट दे दिते जाणगे दसणगे इहदा मेटालिक करैक्टर घट आ के ज़्यादा जां नॉन मेटालिक करैक्टर घट आ के ज़्यादा, ठीक है। की दा लैस आ की दा मोर आ, इस तरह तुहानू क्वेश्चन आएगा। रीज़न भी पुछेगा क्यों, ठीक है, तुसीं रीज़न दस दिओ। सो तुहाडा ये टॉपिक इन्ना ही है, इहदे नाल तुहाडा चैप्टर की हो जाता कंप्लीट हो जाता। तुसीं हुण की करना इहदे एन सी आर टी क्वेश्चन जिहड़े सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। सो सिलेबस दी मैं डिस्कशन करांगा, ठीक है। सिलेबस तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर है जिम्मे हम मैं तुम्हें सिलेबस की डिस्कशन करते हैं थोड़ी जी। मैं कैमिस्ट्री का सिलेबस तुम्हें दसदा, फिजिक्स का बाद दसागा। जो कैमिस्ट्री का सिलेबस आ कोई भी तुहाडा जो यूनिट जो चैप्टर है वन है कैमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो सारे टॉपिक है ऑल टॉपिक इन सिलेबस। जो चैप्टर है टू ये भी ऑल टॉपिक सारे सिलेबस आ गया, कोई डिलीट नहीं होया। चैप्टर है थ्री, चैप्टर थ्री केड़ा है ही? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये टॉपिक जो लास्ट है वो किन्ने पेज नंबर तक है चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये तुसीं करना वा 49 पेज नंबर तक करना, ठीक है। जिहड़ा अकरेंस ऑफ मेटल आ वो टॉपिक तो अगे सारे टॉपिक है गया डिलीटड है, डिलीट किया गया सिलेबस के, ठीक है। सो जो थर्ड चैप्टर वो तुसी मेटल एंड नॉन मेटल जो 49 पेज नंबर तक करना, अकरेंस ऑफ मेटल तो अगर जिन्हें टॉपिक है वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस। जो चैप्टर नंबर है जी फोर,
ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਟੋਪਿਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 5, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਆਲ ਟੋਪਿਕ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ 2 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਿਹੜਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹਦਾ 49 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਨਾ, ਅਕਰੰਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 49 ਪੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 4 ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 67 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਅਪ ਟੂ 67 ਨੰਬਰ ਪੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਲੋਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਮਨ ਕਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ।